अब सर इसके लिए क्या करना है आपको, अब मान लीजिए परचेज आपको एक्सेल से चढ़ानी है कि आपका परचेज ऑटोमेटिक चढ़ जाता है, जहाँ पे आपका एक डेढ़ घंटे खराब हो जाते हैं परचेज में, वहां पे सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे और आपका परचेज इम्पोर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें पहले सबसे पहले मेथड बनाना पड़ता है, जैसा कि आपने परसों सीखा था कि कैसे हम मेथड बनाए, ठीक है। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नहीं पता कि आपका एक्सेल क्या है, क्यों है, कहाँ रखा है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, ठीक है, आपको एक बार बताना पड़ता है। तो जैसे आपने आइटम मास्टर के लिए बताया, जैसे आपने लेजर मास्टर के लिए बताया, ऐसे ही अब आप परचेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो परचेज इंपोर्ट के लिए भी ऐसे ही आप बताएंगे। कैसे इसके लिए क्या करना होता है, आपको मार्क सेटअप में जाना होता है और आपको एडवांस फीचर में जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा इम्पोर्ट परचेज का, ठीक है। इम्पोर्ट परचेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा मेथड, तो आप मेथड पे एंटर करके आप कोई भी 6 कैरेक्टर का नाम ले सकते हैं, ठीक है। इस 6 कैरेक्टर में आप क्या है, पार्टी के नाम लिख सकते हैं, पार्टी के कुछ नाम के अक्षर डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज इम्पोर्ट, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ परचेज रहेगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये डेटा फ्रॉम लाइन क्या है, तो हम एक बार एक्सेल चेक भी कर लेते हैं कि डेटा फ्रॉम लाइन हमारा कहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए मोस्टली आपको 2 से ही स्टार्ट मिलेगा, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट है। तो मैंने क्या किया 2, अब जो सामने वाली आपको पार्टी एक्सेल देगी, अब एक्सेल में ना बहुत चीजें वो आपको दे दे प्रोवाइड कर देगी, अब उसमें से बहुत से चीजों का यूज नहीं है आपका, जैसे कि मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूं। जी सर, जैसे सप्लायर का नाम जरूरी नहीं है सर, हम सिर्फ बिल नंबर ले लेंगे और बिल डेट भी सर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें मैनुअल डेट डालनी पड़ती है, ठीक है। बिल नंबर हम ले सकते हैं और बिल डेट हम ले सकते हैं, और बिल डेट भी हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बाहर डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम बिल डेट ले लेंगे और बिल नंबर ले लेंगे। अब इसमें हमें कंपनी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ना तो कंपनी बताना है, ना ही कोड बताना है हमें, ना ही बारकोड बताना है, हमें सिंपल एक अपना आइटम बताना है कि हमने क्या आइटम परचेज किया है, क्योंकि जो आइटम अवेलेबल होगा तो वो ऑटोमेटिक वो किस कंपनी का है वो आपका रिडायरेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद आपको पैकिंग बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको बैच बताने की जरूरत पड़ेगी, बैच और एक्सपायरी। उसके सर पैकिंग क्या है, आपके आइटम में ही होता है, जो आइटम अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो तो आइटम हैंड टू हैंड वहीं पे क्रिएट करेंगे आप, और जब आप आइटम हैंड टू हैंड क्रिएट करेंगे तो वहीं पे क्या है आप पैकिंग बताएंगे अंदर ही अंदर, तो आपका इसका बेनिफिट ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आप मेथड बनाए तो इन सब को आप लेके चलिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो तो आप मेथड तो आपको एक ही बार बनाना है, तो उसमें तो जितनी ज्यादा डिटेल होगी जो ज्यादा यूज हो सके वो आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें बैच है, इसमें एक्सपायरी है, और इसमें क्वांटिटी, जैसे ये क्वांटिटी इसके अंदर कुछ है नहीं तो मैं 2 मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें है फ्री क्वांटिटी, ठीक है, इसमें हाफ स्कीम है, इसमें फ्लैट रेट है, ठीक है, और इसमें ये जो फ्लैट रेट है होता है आपका परचेज रेट, मतलब सामने वाली पार्टी यानी कि जिनसे सामान आपने खरीदा उनके लिए तो सेल रेट है, आपको उन्होंने सामान बेचा है, लेकिन आपने उनसे सामान खरीदा तो आपके लिए परचेज रेट है, ठीक है। तो ये आपका परचेज रेट है, ये आपकी MRP है, इतना डिस्काउंट आपको इस पे मिला। उसके बाद ना तो वैट बताने की जरूरत है, ना ही आपको अमाउंट बताने की जरूरत है, और क्या है इसमें और देख लेते हैं सर, इसमें आप हाँ आपको जो इसमें बताना है वो बताना है सर GST, बस कि SGST कितना है, CGST कितना है, HSM जो है आपके आइटम से ही ऑटो पिक करेगा। तो कुछ डिटेल्स है जो आपको बतानी है, कुछ डिटेल्स है जो नहीं बतानी है आपको। अब जैसे कि हमारा जो स्टार्ट होता है ये 20 से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं बिल नंबर, ठीक है। तो ये आ गया मेन बिल नंबर के, ठीक है। तो हमने बताया कि हमारा बिल नंबर B एक्सेल में, और ये डिफॉल्ट है, और उसके बाद फिर हमारा तो उसके बाद है सर हमारी डेट तो हमें मैनुअली डालनी है, बाहर डालनी पड़ेगी डेट हमें। उसके बाद सर हमारा आइटम है जी में, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे आइटम नेम,
निकलते होंगे आइटम नेम। तो आइटम नेम जो है सर हमारा डायरेक्टली आइटम नेम है, कोई विदाउट पैकिंग या विद पैकिंग कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे जी, देन उसके बाद है सर हमारा, जैसे आप चाहते हैं कि पैकिंग भी डालें आप, तो पैकिंग आप डाल सकते हैं, जैसे एच में पैकिंग है। ठीक है, आइटम पैकिंग ये हमारा एच में और ये डिफॉल्ट है। और उसके बाद है सर हमारे पास बैच, आई में बैच है और जे में एक्सपायरी। तो आपने यहाँ पे मेंशन किया आइटम बैच, ठीक है, तो आइटम बैच आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये हमारा है आई क्या था सर, नहीं सर चेक कर लेते हैं कोई बात नहीं। हाँ सर, आई जे और के में हमारा सर क्वांटिटी आई जे के, ठीक है, तो हम यहाँ पे आए और हमने बता दिया आए, आई में हमारा बैच है और उसके बाद हमारे उसके बाद है आई एक्सपायरी, तो आपने एक्सपायरी लिखा। अब एक्सपायरी में भी क्या है सर कि अलग अलग पार्टी आपको अलग अलग एक्शन दे सकती है, किसी किसी में एक्सपायरी सर पूरी मेंशन होगी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे 31/8/2010 ये फॉर्मेट है, और कोई कोई आपको देगा सर इस तरीके से जैसे कि June 98 या फिर आपको 6/98। तो अभी जो हमारा केस है वो ये वाला केस है कि हमें इस तरीके से एक्सपायरी मिल रही है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आई के बाद जे और डिफॉल्ट, और इसके बाद है हमारे पास सर क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा। आपको यहाँ पे हाँ जी सर, आपको यहाँ पे क्वांटिटी चूज करनी है आइटम क्वांटिटी ग्रॉस भी, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हमारा है के में सर। उसके बाद हम चेक करते हैं उसके बाद और क्या डिटेल से जो हमें चाहिए क्वांटिटी। उसके बाद सर हमें चाहिए सर फ्री क्वांटिटी, देख पा रहे होंगे फ्री क्वांटिटी भी आपके पास आई है, फ्री क्वांटिटी हमारा एल में है, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्री क्वांटिटी, ठीक है, आइटम फ्री क्वांटिटी, और यहाँ पे भी दो आ रहे हैं बॉक्स और एक नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल चूज कर, ये हमारा सर क्या था एल में, ठीक है, ये हमारा एल में। उसके बाद फ्लैट रेट और सेल रेट, मतलब आपका परचेज रेट है, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, और आपको जो सिलेक्शन करना हो कभी इन दोनों में से तो आप सर एस रेट का सिलेक्शन करें, ठीक है, तो ये हमारे पास ओ में है, हाँ ओ में है, हम इसको लिखेंगे इसके लिए हमें लिखना होता है यहाँ पे आइटम रेट, तो ये हमारा आइटम रेट है, ये हमारा ओ में है, राइट सर ओ में। उसके बाद पी और क्यू, पी में हमारा एमआरपी है और क्यू में हमारा डिस्काउंट है जी सर, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम एमआरपी, आइटम एमआरपी ये हमारा पी में है, इसके बाद है सर हमारे पे आइटम के बाद डिस्काउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम डिस्काउंट, और यहाँ पे हमें चूज करना है वन फर्स्ट, डिस्काउंट दो आएंगे आपको फर्स्ट चूज करना है, और ये हमारा पी के बाद क्यू में, देन उसके बाद चेक करते हैं और क्या नीड है इसमें। अमाउंट हमें डालना नहीं होता क्योंकि अमाउंट सर ऑटोमेटिक लेके आता है कैलकुलेट होने के बाद। अब हमें डबल ए, ए बी और ए सी यूज करना है, ठीक है, और डबल ए में हमारा सी जी एस टी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी जी एस टी, और ये हमारा है डबल ए, और इसके बाद है एस जी एस टी, ये हमारा है ए और बी में, और उसके बाद है हमारे पास आई जी एस टी, और ये हमारे पास है ए और सी।
तो अब आपको पता लग गया कि हमें क्या क्या लेना है और आपने मेथड बना लिया। इसका भी जो सेव करने का प्रोसीजर है वो स्केप स्केप से ही, स्केप स्केप करके आप इसको सेव कर सकते हो। अब उसके लिए अब इसको इंपोर्ट कैसे करें, अब इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको आना होगा ट्रांजेक्शन में और यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन इम्पोर्ट, और यहाँ पे चूज करना है आपको एक्सेल डीबीएफ सीएसवी पीडीएफ, इस पे क्लिक कर रहे हो ठीक है। देन उसके बाद जितने भी फॉर्मेट होंगे आपके अवेलेबल वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद ये बोलेगा फाइल सिलेक्शन का, आप इसको एंटर करें और आपकी फाइल कहाँ पे रखी हुई है वो आप यहाँ पे बता दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आप अगर इंपोर्ट करो तो आपका एक्सेल क्लोज होना चाहिए। जी सर, तो एक्सेल अब ये है आपका ए और डब्ल्यू के नाम से ठीक है, तो हम इसमें डेस्कटॉप चूज करते हैं। जी सर, डेस्कटॉप पे ए डब्ल्यू के नाम से फाइल ये रिसर्व है और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बस फिर एंटर कर, जी सर इंपोर्ट फर्स्ट फाइल कर रहे हैं आपको एंटर, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये परचेज रहेगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होलसेल रहेगा और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट बिल रहेगा आपका, और होल्ड आपका जो ये यस है इसको आप नो रखेंगे ठीक है। हाँ, ये उस केस के लिए यूज किया जाता है जैसे आपका जो यूजर है यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है आप उससे परचेज चढ़वा लेते हैं, उसके बाद आप वेरीफाई करते हैं कि ठीक चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है, देन उसके बाद आप सेल के लिए उसको यस करते हैं। तो इसको हम पहले से ही क्या करेंगे नो कर देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस एमआरपी तो आप इसको डोंट चेंज कर दो और रिप्लेस टू सेल रेट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेल रेट है वो किससे रिप्लेस हो आप एमआरपी से कर दीजिए, मतलब कि जो एमआरपी है वही आपका सेल रेट है, तो आपने यह बता दिया। अब ये है एंट्री डेट, एंट्री डेट मतलब वही कि आपके पास ये बिल कब कब आया था तो आपने ये बता दिया, और आइटम सर्च बेस नेम रखेंगे आप, पार्टी सर्च बेस नेम रखेंगे, और यहाँ पे जो सस्पेक्ट है इसको आप कर देंगे ऑन कि अगर कोई मैच ना हो आइटम तो सभी आपके सामने आ जाए, देन एक्सेप्ट करेंगे आप। और ये जो सामान आपने खरीदा है ये लोकल है सेंट्रल है, अब इसको कैसे पहचानेंगे आप, जैसे आप कर्नाटका में रहते हैं तो कर्नाटका में जितनी भी आपके पास कोई भी ऐसी पार्टी जो कर्नाटका की ही पार्टी है जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं वो आपकी लोकल पार्टी होगी, और अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र से परचेज कर रहे हैं तो आपका जो स्टेट है वो इंटर स्टेट हो गया आपका, उस केस में वो सेंट्रल यूज होगा ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी पार्टी जो है ये है, आप जैसे कि किस पार्टी से आपने ये परचेज किया तो ये सॉफ्टवेयर ये पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे शर्मा इंटरप्राइजेस कर दिया। अब ये जो है कह रहा है कि जो आपके इसमें तीन आइटम है आपके सॉफ्टवेयर में ये तीन आइटम नहीं बने हुए ये बता रहा है, तो ये कह रहा है कि आप इसको मैप कर दो, ये देखो लिखा हुआ ना आइटम, ये इंपोर्ट आइटम लिस्ट और मैप विद आइटम, तो आप जो आइटम नहीं मिलेंगे उसको आप मैप करेंगे फर्स्ट टाइम। तो जैसे कि मैंने गिफ्ट जो है इसको मैंने मैप कर दिया, देखो इससे मैंने मैप कर दिया और आप इसको यस कर, मैप का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आप किसी से सामान खरीद रहे हैं मान लीजिए वो आपका होलसेलर है या स्टॉकिस्ट है, तो स्टॉकिस्ट और होलसेलर कैसे आइटम बनाते हैं सर, वो ऐसे बनाते हैं पैरासीटामोल 200 mg, और आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे पैरासीटामोल 200 mg 1-10 पैकिंग इस तरीके से, तो वो शॉर्ट में बनाते हैं, तो आपकी लिस्ट में आइटम का नाम कुछ और है और जो उन्होंने एक्सेल भेजा उनकी लिस्ट में आइटम का नाम कुछ और है, तो इस केस में हम मैप करते हैं मैपिंग। जी सर, सिर्फ एंटर करेंगे और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस आइटम पे लाके छोड़ देगा जो भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा, और यदि मान लीजिए कि वो आइटम मैच नहीं कर रहा वो या फिर वो आइटम है ही नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे यहीं से आप F2 करेंगे, और F2 करने के बाद ऑटोमेटिक आपके आइटम लिस्ट में ये नाम बाय डिफॉल्ट पिकअप कर देगा ठीक है, और आपका GST पिकअप कर देगा। देन उसमें बस आपको क्या है MRP डालना है कि क्या MRP है और क्या सेल रेट है ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, बैच वाइज वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी, बस आप ये बता दीजिए यहाँ पे कि ये कितना है और उसके बाद आप इसको सेव कर दो। तो ये देखिए अब ये आपका मैप हो गया, इसको अलाउ कर दिया आपने, ये मैप हो गया, ऐसे ही आप इसको भी मैप कर देंगे ठीक है। उसके बाद आप इसको स्केप करेंगे और उसके बाद यस कर देंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो देखिए और
और उसके बाद इसे क्लोज करेंगे तो देखिए आपकी परचेज जो है चढ़ चुकी है। बस आपको यहाँ पे बिल डिस्काउंट बताना है, बिल डिस्काउंट कितना मिला आपको, और उसके बाद आप इसको इस एंटर करके सेव कर देंगे। तो देखिए अब ध्यान से कि हमने जो फ्री क्वांटिटी डाली थी वो फ्री क्वांटिटी में आ गई है, हमने जो क्वांटिटी डाली वो क्वांटिटी में आ गई, जो हमने परचेज रेट डाला वो परचेज रेट में आ गया, और जो हमें डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट में आ गया, और क्या बैच है और क्या एक्सपायरी है वो यहाँ पे मेंशन हो गया। तो मतलब कि इतनी सारी डिटेल आपको मैन्युअली फिल नहीं करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद आप यस कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी ये आइटम आपके सॉफ्टवेयर में आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है सर, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपको दोबारा से मैपिंग नहीं करवाएगा। देखिए कैसे, अब मैं मान लेता हूं दोबारा से हम एक्सेल आ गया इनका और सेम एज इट इज यही आइटम आ गया मेरे पास, तो हमने एंटर किया। जी जी सर, जी सर, और उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर दिया जी। अब देखिए अब मेरे से ये मैपिंग के लिए नहीं बोलेगा क्योंकि हम मैप कर चुके हैं उसको, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि आप इस बिल नंबर को ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, बताइए आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है या नहीं। तो आप इसको नो कर दीजिए और हम क्या करते हैं इस एक्सेल में कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि जो आपने मेहनत करी है सेकंड टाइम आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। एक तो हमने ये मॉडिफिकेशन कर दिया, दूसरा हम रेट का मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्वांटिटी का मॉडिफिकेशन कर दिया हमने और हम इसको सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम जैसे ही इंपोर्ट करेंगे दोबारा से, या मान लेते हैं हम कि हमारे पास रिपीट आइटम आ गया ये, तो हमें क्या सॉफ्टवेयर दोबारा पूछेगा कि हम मैप करें, क्योंकि अगर ऐसे पूछेगा तो सर हमें मैनुअली चढ़ाना सही रहेगा। तो देखिए एक्सेप्ट किया लोकल और अब मैंने पार्टी यहां पर सिलेक्ट कर लिए, तो देखिए ऑटोमेटिक इसने बता दिया ये आइटम मैप्ड है, जो आइटम मैप नहीं होंगे वो रेड कलर में आ जाएंगे आपके पास। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपने एस्केप किया और आपने फिर इसके बाद यस किया और एक्सेप्ट किया और आपकी परचेज जो है डन हो गई। तो देखिए हमने जो है क्वांटिटी का हेर फेर किया था कि ये 224 है, सॉरी 34, 22, 122। तो देखिए अब मुझे सेकंड टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक सेकंड में मेरी परचेज चढ़ गई सर। तो ये फीचर भी आप अपने काम के लिए बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परचेज बहुत होती है, चढ़ाने में प्रॉब्लम रहती है और समय भी बहुत लगता है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने काम को और आसान कर सकते हैं।